बड़का झूठा पार्टी से बड़का झूठा मुख्यमंत्री है बिहार का। उन नीता देवी का बाल खींच के साड़ी खोल करके घसीट करके जो ले जाने का काम किया गया, आज का दिन जो है काला दिन के रूप में देश की जनता याद करेगी। इससे ज्यादा बेशर्म मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान भी नहीं होगा। उन्होंने शर्म और नैतिकता को बेच दिया। यानी नीतीश कुमार जी पुलिस को सशक्त नहीं, पुलिस को गुंडा बनाना और रंगदार बनाने का काम कर रहे इस कानून से। अरे हम तो कैसे बना यार, बहादुर स्थिति। बिहार विधानसभा के कार्यवाही के दौरान एक काला कानून पेश किया गया, जिसके विरोध में आज हम सब लोग खड़े थे। और बिहार के ही नहीं, देश के इतिहास में ऐसा होगा कि सदन के अंदर पुलिस को बुलाया गया, एसपी खुद वहां उपस्थित रहे, डीएम ने खुद विधायकों को, जो लोकतंत्र का मंदिर है, विधायकों को घसीट घसीट के जो पीटने का काम किया गया, बाहर निकालने का काम किया गया। हमारी पूर्व मंत्री जो महिला अति पिछड़ा समाज से जो आती है, उन नीता देवी का बाल खींच के साड़ी खोल करके घसीट करके जो ले जाने का काम किया गया, आज का दिन जो है काला दिन के रूप में देश की जनता याद करेगी। विधायक जो है लगभग 3 लाख लोग उनको चुनने का काम करते हैं। आप सब लोगों ने वो फुटेज देखा होगा जहां एक पुलिस के एक अधिकारी जो है लात से, जूते से जो है वो विधायक को पीटने का काम कर रहे हैं। और ये सारा इशारा और कार्रवाई मुख्यमंत्री द्वारा की गई। बड़ा भयावह नजारा था जब इस तरह का काम नीतीश कुमार जी के निर्देश पे किया जा रहा था। हम जब सदन में रहते हैं तो नीतीश कुमार गायब रहते हैं। अभी नीतीश कुमार जी के भाषण तो हमने सुना। नीतीश कुमार जी समाजवादी के नाम पे कलंक है। आज लोहिया जी की जयंती के अवसर पर, वही लोहिया जी जो कहा करते थे सर के अगर खामोश हो जाए तो सदन और सरकार आवारा हो जाता है। आज क्या दिन है, सुबह सुबह माल्यार्पण कर रहे हैं मुख्यमंत्री लोहिया जी पर, और वही सदन के अंदर उनकी सारी विचारधारा को तार तार करने का काम किया। आज शहादत दिवस के रूप में लोग भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने जो कुर्बानी दी उसके रूप में मनाया जाता है। और भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, और जो कानून अंग्रेजों ने लागू किया था वही कानून आज के दिन नीतीश कुमार जी ने लागू किया है। आप समझ सकते हैं आज के दिन, ठीक है, अब काला कानून क्यों? मुख्यमंत्री बड़ा प्रवचन दे रहे थे बुर्गा का कि आतंकवादी आ जाता है, ई हो जाता है तो आतंकवादी आएगा, कोई बम रखेगा तो क्या जाकर के ऑर्डर लेकर के आएगा मजिस्ट्रेट से, तब जाके गिरफ्तार करेगा, कार्रवाई करेगी पुलिस, गोली मारेगी? सदन के अंदर बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? मुंबई में जब घटना हुई 9/11 याद है, 26/11 जब घटना हुई तो क्या पुलिस के लोग वारंट लाने गए थे कि कार्रवाई कर रहे थे? जब इतनी बड़ी घटना हुई थी बॉम्बे में तो पुलिस खामोश बैठी थी, वारंट का इंतजार कर रही थी। किसको बेवकूफ बना रही है मुख्यमंत्री? पुलिस को ऑलरेडी पावर है, पुलिस को ऑलरेडी ये पावर है। ये देखिए सीआरपीसी का किताब है, सीआरपीसी का, सदन में रह करके झूठ बोल रहे मुख्यमंत्री। सीआरपीसी 41 अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी, यानी बिना वारंट के भी पुलिस को गिरफ्तार करने की शक्ति ऑलरेडी है। ये देखिए तब कर सकती है जो पुलिस अधिकारी के उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता हो। बोधि मंदिर में
पुलिस की ड्यूटी रहती है, अगर कोई अपराधी अगर कोई घटना बंदूक निकालेगा तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, उसको वारंट की जरूरत नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी किसको बेवकूफ बना रहे हो? आप लोग सब गवाह हैं, जब मुख्यमंत्री आए थे सदन में, हम आए थे, हम खड़े उठे, उठ करके जब बोलने लगे, बोलते बहस करना चाहिए, बहस करके अपनी बात को रखना चाहिए। जब हम खड़े हुए, हमको बोलने दिया गया कि पेश कर दिया गया बिल, हम तो बोल रहे थे हमको बोलने का मौका दीजिए। आप लोग सब लोगों ने देखा कि बार बार हमने आसन से मांग की कि हमको समय दिया जाए बोलने का। अरे मुख्यमंत्री जी, आप तो गायब हो जाते, आप बेवकूफ बना रहे। ये पूरी तरीके से इस कानून में अब देखिएगा, बिना वारंट के तलाशी की जा सकती है, यानी कोई समय सीमा कुछ नहीं है। जब विधायकों की विधानसभा में पिटाई हो जाएगी तो इस कानून के बाद तो घर घुस करके पीटेंगे लोगों को, पत्रकारों को घर घुस करके पीटेंगे। कोई वारंट है, कोई चीज की जरूरत नहीं है। इसमें बड़ा अजीब लिखा है कि इसमें जो है बिना वारंट के जो है अपना पूरा कार्रवाई करेगी, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके बारे में उसका यह विश्वास है कि उसने यह अपराध किया, मतलब विश्वास पे। कोई भी पुलिस अधिकारी अगर उसको विश्वास हो जाएगा, तलाशी लेगा, कुछ नहीं भी मिला लेकिन उसको विश्वास हो जाए तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये क्या कानून है? यानी पुलिस जब चाहे, और इसमें क्या होगा, आम नागरिकों को पकड़ा जाएगा, बोलेगा चलो थाने दो, थोड़ा रख आरसीपी टैक्स दो, आरसीपी टैक्स दो, नहीं तो ले जाएंगे। बोलेगा मेरा जुर्म क्या है? नहीं, पुलिस बोलेगा कि हमको विश्वास है कि तुम अपराधी हो, चलो जी। ये कानून है तो मजाक बनाया जा रहा है, बहस करने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। हम तो चुनौती देते रहे हैं, कब से कहां बहस करना, कब करना, आके करो ना, क्यों नहीं करते हैं? जब हम खड़े होते तो बोलने नहीं दिया जाता। एक एक चीज का जवाब हम लोग देंगे, एक एक चीज का। ये जो काला कानून लाया गया, जिस तरह से विधायकों को अपमानित करने का काम किया गया, पत्रकारों को मारने का काम किया गया, ये एक पहली बार की घटना है क्या? पत्रकारों पर हाथ उठाना, इस सत्र में लगभग दो बार पत्रकारों को पीटा गया। अरे अपराधियों को पकड़ो, मंत्री जो दारू बेचवाने का काम करता उसको आप बचा के रखे हो, कम से कम आपका जो दुकान खोले हुए है, काला धंधा जो शुरू किए हुए, उसको आप संरक्षण देंगे, सृजन घोटाले वाले को संरक्षण देंगे, बालिका गृह वाले को संरक्षण देंगे, तब क्या कर रही थी आपकी पुलिस? तब तो आप बचा रहे थे सत्ता संरक्षण। यानी हम चुप रहे हैं, ये तो अंग्रेज वाला कानून है ना। जब हमने ये साबित ही कर दिया कि पुलिस के अगर सामने अगर कोई अपराध करेगा तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन इसमें ये जोड़ा गया है कि उसको विश्वास हो जाएगा, उसको अगर विश्वास हो जाएगा तो भी गिरफ्तारी हो सकती है, चाहे वो आप हो, हम हो, कोई नेता हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हो, या किसी से अवैध वसूली कर दी हो। यानी नीतीश कुमार जी पुलिस को सशक्त नहीं, पुलिस को गुंडा बनाना और रंगदार बनाने का काम कर रहे हैं इस कानून से। और लोकतंत्र के मंदिर में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर संवैधानिक है। अभिव्यक्ति की आजादी जो हमको संविधान ने दिया, ये उसको खून छीनते का काम कर रहा है ये कानून। कोई समय सीमा नहीं, जब तक पकड़े हैं। कोई कोर्ट का काम नहीं रह जाएगा, कोई मजिस्ट्रेट का काम नहीं रह जाएगा, कैसे चलेगा सर? ये तो ये क्या तानाशाही है कि नहीं है? ये तो हिटलर शाही है ना, तो आम जनता देख रही है। आज तो मेरे ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ। कहां से बिल्डिंग से पत्थर कहां से आया भाई बिल्डिंग में ऊपर?
जैसे हम पहुंचे वैसे बौछार करने देंगे। कोई मजिस्ट्रेट नहीं आया मेरे से बात करने, कोई एसपी नहीं था वहां बात करने के लिए। एक व्यक्ति अगर आप लोगों के पास फुटेज होगा, रिकॉर्डिंग होगा, अगर कोई मेरे पास, जब हम पहुंचे डाक बंगला चौड़ा, जाते पहुंचने के साथ ही जो है बौछार करना शुरू कर दिया। ऊपर से जो आपका छपरा स्पोर्ट्स है उसके ऊपर वाले बिल्डिंग से ही पहले ही से तैनात इतने बोल्डर पत्थर थे। मेरे साथ जो गाड़ी में खड़े थे वो घायल हो गए। कहा जा रहा है कि आपके कार्यकर्ताओं ने की पुलिस, अब क्या करेंगे। सदन में बैठ के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। इतना बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को कहते हैं, उससे बड़का झूठा ही है। बड़का झूठा पार्टी से बड़का झूठा मुख्यमंत्री है बिहार का। क्या कह रहे थे, अभी बहस कर लेते, हम तो चाहते थे बहस कर ले। अभी तो वही थे जब हम खड़े थे, तो स्पीकर को क्यों नहीं बोले। जब हम बोले कि सरकार सुनना चाहती है तो खड़े होकर के बोलते हैं आसन को कि समय दे दीजिए नेता विरोधी दल को, क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला गया, बोलना चाहिए था कि नहीं। अब जब हम नहीं हैं सदन के अंदर, जबरदस्ती मारपीट करके विधायकों को पुलिस बल का प्रयोग करके डीएमएसपी लाठ घुसा मार करके भगा के तब आए मुख्यमंत्री भाषण दे, खुद आते हाउस को कॉन्फिडेंस में लेते, तो ये काम तो किया नहीं मुख्यमंत्री जी, कहां गए। अब जो है खाली हो गया तो उनकी आत्मा को संतुष्टि मिल रही है, अपने नैतिकता को उन्होंने बेच दिया। इसलिए आज का और आश्चर्य की बात है, इतनी घटनाओं के बाद वो डिनर पे जाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इससे ज्यादा बेशर्म मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान भी नहीं होगा। उन्होंने शर्म और नैतिकता को बेच दिया, लोकतंत्र की हत्या की, पहली दफा हुआ है लोकतंत्र के मंदिर में, पहली दफा पुलिस का प्रवेश हुआ है, पुलिस हथियारों का घेराव। हम लोग तो चैम्बर के बाहर लोग था, अंदर की भी बात कही गई कि अंदर पहुंचने की कोशिश की, पहले तो चैम्बर ही तक ना यहीं से उठा उठा के पीटा गया ना, पहले पत्रकारों से शुरू किया गया। आप लोग क्या कर रहे थे, विधायक को खा रहे, अध्यक्ष को खा रहे थे, आप लोग बाधा प्रकट कर रहे थे क्या, पत्रकार बाधा क्यों पिटाया पत्रकार, मेरा सवाल, हमारी छोड़िए ना। हम लोग लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन आप लोग अपने बारे में सोचिए। अब ये दिन आ गया जब लोकतंत्र के मंदिर में ही पत्रकारों और विधायकों को पीटा जा रहा है, तो इस कानून के बाद सोचिए क्या होगा, आपके घर में उठा करके पीटे। नहीं नहीं, हमारे साथ मारपीट नहीं, हम देखे हम झूठे आदमी नहीं, लेकिन हमारे लोगों के साथ जो है वो मारपीट की गई है। इस प्रकार से महिला अनीता जी वहाँ है, घायल है, पैर चला नहीं जा रहा, पूर्व मंत्री है, उनको बिहार पुलिस की महिला आ करके घसीट करके लेके गई सदन से, बाल खींच करके, अति पिछड़ा समाज से, अति पिछड़ा समाज से ये आती हैं, भली महिला क्या ये इनसे सदन से खींच के लाई है, सदन के अंदर से सब लोगों ने देखा कैसे व्यवहार किया गया, बताइए आप लोग। सदन से लोग, हम लोग तो काला कानून का विरोध कर रहे थे, सदन से खींच कर लाई, न कपड़ा के ठीक था न साड़ी के, ये लोग सारे लोग देख रहे थे किस तरह हाथ कटा, पैर में मोच आया, सारा चीज, न कपड़ा का ठीक था न कुछ था, इसे हम बोले जा रहे घसीट के एकदम अंदर ही अंदर, अंदर से अंदर एकदम घसीट कर, उस तरह जानवर को भी घसीट कर नहीं लिया जाता जिस तरह हम लोग का माननीय के साथ हो रहा है। अभी तेजस्वी जी, अब आगे की रणनीति क्या होगी विपक्ष की, संघर्ष होगा, आप लोग भागीदार बनिए।